कोरिया की, क्योंकि कल दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हेलवन पार्टी के दौरान किस तरीके से भगदड़ मची और 151 लोगों की जान चली गई। इस हादसे में 150 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। दक्षिण कोरिया की नेशनल फायर एजेंसी के एक अधिकारी के मुताबिक इटावन लेजर जिले में एक संकरी गली में भीड़ बढ़ने से यह घटना हुई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने बयान जारी कर अधिकारियों से घायलों को बेहतर इलाज देने का निर्देश दिया है, साथ ही उत्सव स्थलों की सुरक्षा को समीक्षा करने को कहा है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में जश्न मनाया जा रहा था। सड़क पर लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ था। हर कोई उस जश्न में झूम रहा था। रोशनी के बीच डांस में मस्त नजर आ रहे थे लोग। हर तरफ सिर्फ खुशी का माहौल था। बताया गया कि हेलोवीन फेस्टिवल में किसी सेलिब्रिटी को बुलाया गया। जैसे ही इसकी जानकारी लोगों को हुई, लोग उसे देखने के लिए एक पतली सी गली में घुस गए। देखते ही देखते लोगों की तादाद बढ़ती चली गई और उसके बाद भगदड़ मच गई। अचानक से लोग इधर उधर भागते नजर आए। वहां मौजूद पुलिस ने माहौल को संभालने की कोशिश की, लेकिन अचानक से मौत चुपके से आई और 150 से ज्यादा लोगों को अपनी आगोश में ले लिया। भगदड़ के बाद कुछ लोग जख्मी हो गए थे, सड़क पर बेसुध पड़े थे, लेकिन जब उनकी नब्ज टटोरी गई तो पता चला कि हेलोवीन फेस्टिवल के दौरान मची भगदड़ में कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया। इस दौरान उनको बचाने के लिए वहीं CPR दिया गया, जिसमें कुछ लोगों को बचाया गया, लेकिन मौत की इस पार्टी में 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। लेकिन सोल में आयोजित हेलोवीन फेस्टिवल के दौरान हुए इस हादसे की तस्वीर जैसे ही सामने आई, हर कोई सन्न रह गया, जिसमें पुलिस के साथ साथ कई लोग वहां मौजूद नजर आए। तो वहीं सड़क पर लोग बेसुध पड़े हुए हैं। ऐसे में उनको बचाने की और होश में लाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन दिल का दौरा पड़ने की वजह से 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। जिस फेस्टिवल में यह हादसा हुआ और लोगों की जान चली गई, दरअसल वो हेलोवीन फेस्टिवल है। पश्चिमी देशों में मनाया जाता है हेलोवीन फेस्टिवल। अलग अलग ड्रेस पहनकर तैयार होते हैं लोग। हर साल मनाया जाता है हेलोवीन फेस्टिवल। अलग अलग तरह के खेलों का भी आयोजन होता है। इस फेस्टिवल में लोग इस कदर डूब चुके थे कि उनको इस बात की भनक तक नहीं लगी कि हालात भयावह होने जा रहे हैं। और फिर जब भगदड़ मची तो हालात बेकाबू हो गए और फिर दम घुटने की वजह से हार्ट अटैक आया और देखते ही देखते सैकड़ों लोग मौत की आगोश में समाते चले गए। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर साल सोल में जो हेलोवीन पार्टी मनाई गई, उसमें ऐसा क्या हुआ जिसमें 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। दरअसल दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हेलोवीन फेस्टिवल मनाने के लिए लोग जमा हुए और देखते ही देखते फेस्टिवल में लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। इस बीच बताया गया कि कार्यक्रम में कोई सेलिब्रिटी आया हुआ था, जिसको देखने के लिए लोग एक गली में घुस गए और फिर अचानक से फेस्टिवल में भगदड़ मच गई। और जैसे ही भगदड़ मची, चीख पुकार होने लगी और फिर भगदड़ में कई लोग जमीन पर गिर गए। और भगदड़ और भीड़ होने की वजह से कई लोगों को हार्ट अटैक आया और वो जमीन पर गिर गए। ऐसे में हार्ट अटैक आने से 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। और दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में हेलोवीन फेस्टिवल में हुए इस हादसे के बाद कई तस्वीरें सामने आई हैं, जो दिल दहला देने वाली हैं। ये हम आपके सामने 5 तस्वीरें रख रहे हैं। दक्षिण कोरिया में सोल में भगदड़ हुई, किस तरीके से लोग जहां थे वहीं फंसे रह गए। हेलोवीन में भगदड़ होती है, 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। बिल्कुल, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक के बाद लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, धक्का मुक्की होती है। धक्का मुक्की होने की वजह से कई लोग जमीन पर गिर गए और दम घुटने की वजह से सैकड़ों लोगों को हार्ट अटैक आया। इस दौरान पुलिस के साथ साथ वहां मौजूद लोगों ने बेहोश हो चुके लोगों को CPR देना शुरू किया, तो वहीं कई एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। ये 5 तस्वीर आप देखें कैसे राजधानी सोल में भगदड़ मची और इसमें 151 लोगों की मौत हो चुकी है, 150 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और जानकारी ये मिल रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। दरअसल सेलिब्रिटी आने की वहां पर सूचना मिली और उस सेलिब्रिटी को देखने के लिए होड़ मची और उसके बाद एक के बाद एक लोग गिरते चले गए।